13.1। तीसरा सवाल पढ़ो भाई, भदौरिया क्या है? एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या थी? देखिए बच्चों, आवश्यक सवाल है। ये खिलौना लट्टू है, जो हम लोग बचपन में नचाते थे। टोटल खिलौना जो है वो एक टॉप है, लट्टू के जैसा है। देखिए कैसा, यहां पर कह रहा है कि खिलौना इस प्रकार का है कि एक अर्धगोला है और उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। शुरुआत से पढ़िए। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का। यहां पर ये जो शंकु है इसकी त्रिज्या बच्चों कितनी है? इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। आगे, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित में रखा है। इस अर्धगोला इसकी भी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर इस शंकु ऐसे रख दिया गया है। ठीक, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। अब इस खिलौने की बच्चों जो संपूर्ण ऊंचाई है वो है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय, अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है अगर हमें, बैठ जाइए। तो यहाँ पर ये जो अर्ध गोले का वृत्तीय समतल और शंकु का जो आधार है ये चिपक गया है, ये अब हमें कहीं नहीं दिख रहा है। जो ठोस आप विजुलाइज करिए तो ये तो पृष्ठ है नहीं, तो पृष्ठ वास्तव में है क्या? एक तो शंकु का वक्र पृष्ठ दिख रहा है हमें और नीचे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ दिख रहा है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr². तो हमें क्या क्या दिया गया है? हमारे पास केवल अभी रेडियस है, मतलब हमें स्लैंट हाइट एल पता करनी है। तो एल कैसे निकलेगी? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब हमारे पास आर है मगर एच नहीं है। एच कैसे निकलेगा? 15.5 में से 3.5 को घटा दिया जाए, क्योंकि ये भी बच्चों 3.5 होगा। तो अब फाइनली जो शंकु की ऊंचाई है वो एच आ जाएगी, 15.5 ऋण 3.5 अर्थात 12 सेंटीमीटर। तो अब हम सबसे पहला काम हमारा क्या है? शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना। सबसे पहले देखेंगे कॉमन रेडियस आर, ये 3.5 सेंटीमीटर है, और हाइट एच ये 12 सेंटीमीटर है। तो अब हम स्लैंट हाइट निकालेंगे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर की मदद से। तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग धन 3.5 का वर्ग। तो एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 12 का वर्ग 144। अब ये 3 × 12.25, अब इसको जोड़ देंगे तो एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0.25, तो ऐसे ही रहेगा। 4 × 2 = 6 और 4 × 1 = 5, 156.25। तो एल बराबर अंडर रूट 156.25। अब 156.25 का वर्गमूल निकाल लेते हैं यहां पर। चलिए वर्गमूल निकालते हैं जल्दी से। 156.25, दशमलव से पेयर बनाएंगे इधर इधर 1 1 1, इसको जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, घटाएंगे 0 आ जाएगा, यहां पर 56 उतार लेंगे। तो अब यहां पर 22 × 44 = 23 = 69, तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहां पर भी 2, यानी 12.5 उत्तर आने वाला है इसका। तो फिर भी पूरा निकाल के दिखा देते हैं। 24 × 22 = 44, 6 में से 4 = 2, 5 में से 4 = 1, 0.5 ये है तो यहाँ पे 0.5 लगाया। और अगला पेयर उतारा 25 5 5, अब 25 × 5 हासिल लगे 2, 5 × 20 2 × 22 हासिल लगे 2, 5 × 10 = 12, रिमाइंडर आ गया 0। और यहाँ पे हमने 5 लिया था तो यह 5 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसकी स्लैंट हाइट कितनी आ गई बच्चों? 12.5 सेंटीमीटर। तो अब सारी समस्याएं हमारी हल हो चुकी है। हमें निकालना क्या है बच्चों? खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या पूछा गया, पढ़ो जरा भदौरिया। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ धन शंकु का वक्र पृष्ठ। समझ में आ रहा है सभी को? अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ 2πr² शंकु का वक्र पृष्ठ πr l।
सॉरी, तो अब यहाँ पर कुछ कॉमन निकल रहा है, रेडियस तो दोनों में एक ही होगी, तो यहाँ पर पाई आर कॉमन निकल रहा है, तो ये आ जाएगा 2r - l। सारे मान रख लेंगे, उत्तर निकाल लेंगे, कर लेंगे बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए।